इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 5 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कॉमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कॉन्टेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहां पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफी यूजफुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस PDF कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। वेयर इज जीरो एयरपोर्ट लोकेटेड, जीरो हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर अंडमान एंड निकोबार। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करें, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। The 24th edition of the famous Hornbill Festival began in which state? Hornbill उत्सव का 24वां संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, नागालैंड। आपको जानना चाहिए Hornbill Festival का 24th edition हाल ही में नागालैंड के किसामा हेरिटेज विलेज में शुरू हो गया है। Hornbill Festival हर साल 1 से 10 सितंबर के बीच सेलिब्रेट किया जाता है और इसको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स कहते हैं, क्योंकि नागालैंड के जितने भी एथनिक ग्रुप्स हैं उन सबको रिप्रेजेंट करता है ये फेस्टिवल। पहली बार दिसंबर 2000 में ये फेस्टिवल आयोजित किया गया था। आपको जानना चाहिए जो 17 नागा ट्राइब्स हैं उनकी यूनिटी का सिंबल है हॉर्नबिल फेस्टिवल। नागालैंड के बारे में अगर हम बेसिक जानकारी लें तो नागालैंड को फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं या लैंड ऑफ फेस्टिवल्स भी इसको बोला जाता है। कैपिटल कोहिमा है, चीफ मिनिस्टर नेपियो रियो हैं, गवर्नर ला गणेशन हैं और नागालैंड का जो एम्बलम है उसमें मिथुन बाइसन आपको देखने के लिए मिलता है। ये फैक्ट इसलिए मैंने डाला है कि कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, एक दो एग्जाम में तो पूछा जा चुका है ये मिथुन बाइसन किस राज्य के एम्बलम में है। हु रिसेंटली बिकेम द थर्ड फीमेल ग्रैंड मास्टर फ्रॉम इंडिया, हाल ही में भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, वैशाली रमेश बाबू। आपको जानना चाहिए कि कोनेरू हम्पी और हरिका द्रोणावली के बाद अब वैशाली रमेश बाबू तीसरी फीमेल ग्रैंड मास्टर बन गई हैं इंडिया से। इन्होंने हाल ही में 2500 फिडे रेटिंग्स को जो है क्रॉस कर लिया है। हाल ही में एल लोब्रेगट ओपन स्पेन में खेला गया तो वहाँ इन्होंने अपनी ये रेटिंग हासिल की और थर्ड फीमेल ग्रैंड मास्टर बनी इंडिया से। इन्होंने इस टूर्नामेंट में टर्किश जो चेस प्लेयर हैं तमीर तारिक सेल्बेस इनको हराया है। आपको जानना चाहिए इसी अचीवमेंट के साथ अब वैशाली और इनके जो यंगर ब्रदर हैं रमेश बाबू प्रगनंद, ठीक है, ये दोनों ही फर्स्ट एवर ग्रैंड मास्टर सिबलिंग पेयर बन गए हैं चेस हिस्ट्री में। इन्हें तो आप जानते हैं ना, रमेश बाबू प्रगनंदा को, और वैशाली रमेश बाबू को भी जानते हैं, तो दोनों ही भाई बहन हैं और दोनों ही ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। What was the growth rate of the Indian economy during the July to September quarter of the financial year 2023-24? वित्त वर्ष 2023-24 की जुलाई से सितंबर तिमाही के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर क्या रही? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है, 7.6%। आपको जानना चाहिए कि हाल ही में स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री ने ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डेटा जारी किया है और इसमें बताया गया है कि जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का सेकेंड क्वार्टर है यानी कि जुलाई से सितंबर,
इसमें जो हमारी इकोनॉमी है ये 7.6% से ग्रो की है, जो कि फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड में। आपको बता दें जो रियल जीडीपी या फिर जीडीपी एट कॉन्स्टेंट प्राइसेस रहा है 2023-24 के सेकेंड क्वार्टर में, ये 41.74 लाख करोड़ रुपीज़ रहा, यानी कि 7.6% की ग्रोथ देखने के लिए मिली। वहीं नॉमिनल जीडीपी या फिर जीडीपी एट करंट प्राइसेस सेकेंड क्वार्टर में 71.66 लाख करोड़ रुपीज़ रही है, यानी कि 9.1% की ग्रोथ देखने के लिए मिली है। आपको जानना चाहिए आरबीआई ने भारत की जो 2023-24 के लिए जीडीपी ग्रोथ बताई हुई है वो 6.5% बताई हुई है, सेकेंड क्वार्टर की 6.5, थर्ड क्वार्टर की 6 और फोर्थ क्वार्टर की 5.7%। तो आरबीआई का जो एस्टिमेट था उससे तो ज़्यादा ही जो है ये पहुंची है हमारी ग्रोथ 7.6%, जबकि आरबीआई ने बताया है क्वार्टर टू में 6.5%। सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रोथ देखने के लिए मिली 13.9%, उसके बाद फिर माइनिंग सेक्टर 10% और फिर कंस्ट्रक्शन 13.3%। पहले पर मैन्युफैक्चरिंग, दूसरे पर कंस्ट्रक्शन, तीसरे पर माइनिंग। इंटरनेशनल वॉलंटियर डे फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन डी है December 5। आपको जानना चाहिए इंटरनेशनल वॉलंटियर डे फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ये 5 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। 2023 में इस डे का थीम रहा द पावर ऑफ कलेक्टिव एक्शन इफ एवरीवन डिड। साथ ही आपको जानना चाहिए कि 5 दिसंबर को ही वर्ल्ड सोयल डे भी मनाया जाता है। इस बार 2023 में वर्ल्ड सोयल डे का थीम है सोयल एंड वाटर अ सोर्स ऑफ लाइफ। विच टू सेंट्रल बैंक्स साइंड एन इनिशियल पैक्ट फॉर कोऑपरेशन रिगार्डिंग क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड? किन दो केंद्रीय बैंकों ने क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के संबंध में सहयोग के लिए प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा आरबीआई एंड बैंक ऑफ इंग्लैंड। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ इंग्लैंड इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन किया है, यह है क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड CCIL से संबंधित। ठीक है, तो CCIL के जो काम है उनसे संबंधित कॉरपोरेशन और जो इन्फॉर्मेशन है इससे संबंधित उसके एक्सचेंज के लिए। द MOU establishes a framework फॉर द बैंक ऑफ इंग्लैंड टू प्लेस रिलायंस ऑन RBI's रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी एक्टिविटीज वाइल सेफगार्डिंग UK फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। देखिए कुछ इश्यूज रहते हैं जो ये यूरोपियन यूनियन के बैंक हैं या फिर यहाँ की रेगुलेटरी एजेंसी है, उनके कुछ इशू रहते हैं कि जो क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है क्या इसका जो कार्य है वो पारदर्शिता भरा है या नहीं है, और हम भी ऐसी एजेंसी होनी चाहिए जो इसका ऑडिट कर सकें, ये इनकी डिमांड रही है। हालांकि भारत ने इनकी डिमांड को कभी पूरा नहीं किया, तो इसलिए MOU साइन किया है कि जो RBI की जो रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी एक्टिविटीज़ हैं उन पर जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है वो रिलायंस कर सकता है, वो भरोसा रख सकता है। CCIL की बात करें एक सेंट्रल काउंटर पार्टी है जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ फॉरेन एक्सचेंज मनी मार्केट्स, ठीक है, इनमें कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ट्रांजेक्शन प्रोवाइड कराती है, गारंटिड जो है ट्रांजेक्शन यहाँ पर ये मुहैया कराती है, RBI द्वारा रेगुलेट किया जाता है इसको। MOU साइन किया गया ये RBI डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर एंड बैंक ऑफ इंग्लैंड डिप्टी गवर्नर फॉर फाइनेंस स्टेबिलिटी सारा ब्रिटन के बीच में लंदन में। What is the amount of the monetary penalty imposed by the Reserve Bank of India on Bank of America? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक ऑफ अमेरिका पर लगाए गए मौद्रिक दंड की राशि कितनी है? सही आंसर ऑप्शन सी है 10,000 रुपीज। आपको जानना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 10,000 रुपये की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है बैंक ऑफ अमेरिका में, और इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेक्शन 11(3) ऑफ फेमा 1999 को यूज़ किया है फॉर वायलेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंस्ट्रक्शन ऑन रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स अंडर लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम ऑफ फेमा 1999। साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 10,000 रुपीज की ही मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है HDFC बैंक लिमिटेड पर, सेम कारण रहेगा जो ऊपर देखा है हमने, ठीक है, वायलेशन किया है फेमा 1999 एक्ट का। With whom did NLC India Limited sign the tripartite MOU in Chennai? चेन्नई में NLC India Limited ने किसके साथ त्रिपक्षीय समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा तमिलनाडु स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एंड नेत्तूर टेक्निकल ट्रेनिंग फाउंडेशन। देखिए NLC India Limited जो कि एक नवरत्न PSU है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कोल, इसने एक
त्रिपक्षीय एग्रीमेंट साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है चेन्नई में, तमिलनाडु स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो कि नोडल एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु की स्किल डेवलपमेंट के लिए, और नेतूर टेक्निकल ट्रेनिंग फाउंडेशन बेंगलुरु के साथ। दिस कॉलेबोरेशन ऑफ NLCIL, TNSDC एंड NTTF विल इम्पार्ट जॉब ओरिएंटेड स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग फॉर 540 वार्ड्स ऑफ प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज ऑफ NLCIL's ऑपरेटिंग एरियाज इन नेवेली। विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड SBM गोबरधन बायोगैस कॉन्फ्रेंस, किस मंत्रालय ने SBM गोबरधन बायोगैस सम्मेलन का आयोजन किया? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। आपको जानना चाहिए जो कंप्रेस्ड बायोगैस सेक्टर है उसको बूस्ट करने के लिए, वेस्ट टू वेल्थ एंड सर्कुलर इकोनॉमी को एक्सेलरेट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने SBM गोबरधन बायोगैस कॉन्फ्रेंस को हाल ही में ऑर्गेनाइज किया है GIZ सर्कुलर वेस्ट सॉल्यूशन एंड यूनिडो के साथ मिलकर भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो हमारा SBM है, ठीक है, इसका ये रहेगा कि गार्बेज फ्री अर्बन इंडिया बनाया जा सके, सस्टेनेबल सैनिटेशन प्रैक्टिसेस अपनाई जा सके, एफिशिएंट वेस्ट मैनेजमेंट किया जा सके, और टारगेट ये रहेगा कि 15,000 टन्स पर डे TBD बायो CBG प्लांट्स जो है बनाए जा सके 2026 तक। CBG मतलब कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स। यूनियन मिनिस्टर RK सिंह इनोग्रेटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनर्जी ट्रांजिशन इन इंडिया, रोड ट्रेवल्ड एंड अपॉर्चुनिटीज अहेड इन विच सिटी। केंद्रीय मंत्री RK सिंह ने किस शहर में ऊर्जा परिवर्तन, सड़क यात्रा और आगे के अवसर विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, गांधीनगर। आपको जानना चाहिए कि यूनियन मिनिस्टर फॉर पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी RK सिंह, इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनर्जी ट्रांजिशन इन इंडिया, रोड ट्रेवल्ड एंड अपॉर्चुनिटीज अहेड इसको इनोग्रेट किया है गांधीनगर में। आपको जानना चाहिए कि भारत ने कमिटमेंट दी हुई है कि 2005 के लेवल से जो है ये अपना जो एमिशन है उसको 45% रिड्यूस करेगा 2030 तक, 500 गीगावाट का नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड कैपेसिटी ऐड करेगा 2030 तक, और हमारे जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसमें 50% कैपेसिटी रिन्यूएबल एनर्जी की होगी। आपको जानना चाहिए, इन्होंने ये भी बताया कि गुजरात देश में जो है नंबर वन है अगर हम इंस्टॉल्ड विंड पावर कैपेसिटी की बात करें, वहीं हाईएस्ट इंस्टॉल्ड रूफटॉप सोलर कैपेसिटी भी गुजरात में मैक्सिमम है। इस तरह का डेटा महत्वपूर्ण हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। हु इनोवेटेड द सारस फूड फेस्टिवल एट न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में सारस फूड फेस्टिवल का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, फगन सिंह कुलस्ते। देखिए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड स्टील फगन सिंह कुलस्ते, इन्होंने सारस फूड फेस्टिवल को इनोग्रेट किया है न्यू दिल्ली में। सारस फूड फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा 1 दिसंबर से 17 दिसंबर 2023 के बीच, जहाँ पर 21 राज्यों के जो क्विजिन हैं उनको पीपल जो है एंजॉय कर सकते हैं। व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ द अप्रूव्ड प्रपोजल्स बाय द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल टू इनहेंस ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, सशस्त्र बलों की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव की कुल मूल्य राशि कितनी है? सही आंसर ऑप्शन बी है, 2.23 लाख करोड़ रुपीस। आपको जानना चाहिए कि डिफेंस इक्विशन काउंसिल जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री करते हैं तो राजनाथ सिंह ने की है, इन्होंने 2.23 लाख करोड़ रुपए के प्रपोजल को जो है मंजूरी दे दी है, जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए कुछ इक्विपमेंट्स, ठीक है, ये सब खरीदे जाएंगे, इक्विपमेंट्स हो गए या फिर कोई मिसाइल वगैरह या हेलीकॉप्टर वगैरह ये सब खरीदे जाएंगे। तो इसमें 2.20 लाख करोड़ डोमेस्टिक इंडस्ट्री से ही लिया जाएगा, टोटल कितना है 2.23 लाख करोड़। तो यहाँ पर 2 टाइप्स के एंटी टैंक म्यूनिशन भी बाय किए जाएंगे, एरियल डेनियल म्यूनिशन Type 2 एंड Type 3, ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकर, डिजिटल बेसल्टिक कंप्यूटर ये बाय किए जाएंगे T-90 टैंक्स के लिए, मीडियम रेंज एंटी शिप मिसाइल्स फॉर सरफेस प्लेटफॉर्म ऑफ इंडियन नेवी इसको जो है प्रोक्योर किया जाएगा, साथ ही लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन आर्मी के लिए, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK-1A इंडियन एयरफोर्स के लिए बाय किया जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से, साथ ही जो Su-30 MKI एयरक्राफ्ट हैं, ठीक है, इनको अपग्रेड किया जाएगा HAL द्वारा। इंडिया हैज फॉर्म्ड अ पैनल टू प्रोब एलिगेशंस ऑफ अ प्लॉट टू किल विच खालिस्तानी सेपरेटिस्ट ऑन US सोइल, भारत ने किस खालिस्तानी अलगाववादी को अमेरिका में मारने की साजिश के आरोपी की जांच के लिए एक पैनल का गठन किया है?
सही आंसर ऑप्शन सी है, गुरपतवंत सिंह पन्नू। देखिए भारत ने एक हाई लेवल कमेटी सेटअप की है जिसके तहत यूनाइटेड स्टेट्स ने जो एलिगेशन लगाए हैं भारत सरकार पर कि भारत का इन्वॉल्वमेंट रहा है, जो US बेस्ड खालिस्तानी एक्टिविस्ट है गुरपंत सिंह पन्नू, इसके जो है मर्डर के चार्ज में। तो US ने एलिगेशन लगाए कि भारत इसमें इन्वॉल्व है कि पन्नू का जो मर्डर का अटेम्प्ट है उसमें। तो US ने कहा है कि एक सीनियर इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिशियल मास्टरमाइंड कर रहा है इस पूरे घटनाक्रम को, जिसके तहत पन्नू को मारा जा सकता है। और इस ऑफिशियल ने, इंडियन ऑफिशियल ने निखिल गुप्ता नाम के एक बंदे को भी जो है हायर किया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा US ने कहा है, तो इसीलिए हाई लेवल कमेटी भारत ने बैठाई है। आपको बता दें US ने यह भी कहा है कि जो पन्नू है और जो हरदीप सिंह निजर है, निजर आप सभी जानते हैं कनाडा में जो है ये एक मास्टरमाइंड था, इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट कार्य करता था, खालिस्तान मुद्दे पर बात करता था, तो इसकी भी जो है हत्या कर दी गई थी। तो कनाडा ने इंडियन गवर्नमेंट को जो है सीधे सीधे कहा था कि इंडियन गवर्नमेंट इसके पीछे है, निज्जर की किलिंग के पीछे। तो US कह रहा है कि पन्नू और निज्जर के बीच में कुछ ना कुछ लिंक जरूर है। हु लॉन्च द ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव एट COP28? COP28 में ग्रीन क्रेडिट पहल किसने लॉन्च की? ऑप्शन आपके सामने हैं और सही आंसर यहाँ ऑप्शन सी रहेगा, नरेंद्र मोदी। देखिए बेसिक से शुरू करेंगे और अंत तक पूरी जानकारी ले लेंगे COP के बारे में, ठीक है, फिर आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा, पहली बात यह है कि 2030 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस या कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज ऑफ द UNFCCC, या आप कह सकते हैं COP28, या आप कहें कि ये 28th जो है सेशन है या 28th समिट है यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस की, जो कि 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 के बीच चल रही है एक्सपो सिटी दुबई UAE में, और सुल्तान अल जबीर इसके प्रेसिडेंट है इस COP28 UAE के, ठीक है। जो COP28 हो रही है दुबई में, इसके प्रेसिडेंट कौन है? सुल्तान अल जबीर। पहली इस तरह की कॉन्फ्रेंस जो है ये 1995 में हुई थी बर्लिन जर्मनी में, ये महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए जानना। अच्छा, इसके स्टार्टिंग डे पर जब ये समिट शुरू हुई, एक लॉस एंड डैमेज फंड को जो है लॉन्च किया गया, जिसके तहत जो पुअर स्टेट्स हैं, पुअर कंट्रीज हैं, उनको कंपनसेट किया जाएगा डेवलप्ड कंट्रीज द्वारा, ठीक है, क्लाइमेट चेंज के कारण जो भी इकोनॉमिकल लॉस हुआ है या फिर इकोलॉजिकल लॉस जो हुआ है उसके लिए। और ये जो पूरा क्लाइमेट चेंज संबंधित फंड जो होगा ये वर्ल्ड बैंक एडमिनिस्ट्रेट करेगा, और माना जा रहा है कि $475 मिलियन का ये फंड रहने वाला है। UAE ने कहा है हम $100 मिलियन देंगे, यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि $275 मिलियन देंगे, $1.5 मिलियन US से आएगा, $10 मिलियन जापान से आएगा, और बाकी भी अरेंज हो जाएगा इधर उधर कंट्री से। आपको बता दें जो ये लॉस एंड डैमेज फंड है, सबसे पहली बार अनाउंस हुआ था COP27 जो कि सरमल शेख इजिप्ट में हुआ था लास्ट ईयर। और COP28 एक बड़ा इवेंट इसलिए भी है क्योंकि पहली बार कंट्री जो है पेरिस एग्रीमेंट की जो प्रोग्रेस है उसको रिव्यू कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट भी हुई है COP28 में ही दुबई में, इसको भी एड्रेस किया है और कहा है कि 2028 में हम COP33 समिट को होस्ट करना चाहते हैं। अच्छा, COP28 में ही एक ट्रांसफॉर्मिंग क्लाइमेट फाइनेंस नाम का सेशन हुआ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसी सेशन को संबोधित करते हुए ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। तो बेसिकली ये 8 स्पेसिफिक एक्टिविटीज से संबंधित है ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव, इनकम्पासिंग ट्री प्लांटेशन, वाटर कंजर्वेशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, वेस्ट मैनेजमेंट, एयर पोल्यूशन रिडक्शन, मैनग्रोव कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन, इको मार्क एंड सस्टेनेबल बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो इसे अक्टूबर में भारत की जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है इसने लॉन्च किया था। और आपको बता दें इसमें इंसेंटिव दिया जाता है यदि कोई इन्वायरमेंट पॉजिटिव एक्शन लेता है। दो मेन प्रायोरिटीज की रहती हैं, वाटर कंजर्वेशन और अफॉरेस्टेशन। इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, ये इस प्रोग्राम को एडमिनिस्ट्रेटर करता है। यूनाइटेड अरब अमीरात UAE ने $30 बिलियन का क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड भी अनाउंस किया है, अल्ट्रेरा इसको बोलते हैं,
जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स हैं उन पर फोकस करेगा। अच्छा, कुछ बेसिक टर्म जान लेते हैं। यह है सीओपी। सीओपी क्या है? सीओपी एक इंटरनेशनल क्लाइमेट मीटिंग है जो कि एनुअली ऑर्गेनाइज की जाती है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। सीओपी का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। पार्टीज का मतलब क्या है? 198 कंट्रीज जिन्होंने इस इंटरनेशनल ट्रीटी को साइन किया हुआ है या ज्वाइन किया हुआ है। कौन सी ट्रीटी को? यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC। 1992 की बात है, रियो अर्थ समिट हुई थी, तो 154 कंट्रीज ने एक मल्टीलेटरल ट्रीटी साइन किया था जिसे UNFCCC बोलते हैं। इट एम टू स्टेबलाइज ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन एट अ लेवल दैट वुड प्रिवेंट डेंजरस एंथ्रोपोजेनिक इंटरफेरेंस विद द क्लाइमेट सिस्टम। तो उस वक्त 154 कंट्रीज ने साइन की थी और UNFCCC ये बना था। अब जो है टोटल पार्टीज कितनी है इसमें? 198 कंट्रीज हैं इसमें। तो ये बेसिक टर्म रही। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। एसबीआई होल्ड्स हाउ मच स्टेक्स इन एसबीआई जनरल इंश्योरेंस? 70%। गेट विल्डर्स रिसेंटली वॉन पार्लियामेंट इलेक्शंस इन विच कंट्री? नीदरलैंड्स। हु इज लीडिंग इंडियन मेंस टीम इन 5-मैच T20 इंटरनेशनल सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया? सूर्य कुमार यादव। एसबीआई होल्ड्स हाउ मच स्टेक्स इन आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक एंड कावेरी ग्रामीण बैंक ईच? 35%। वट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट वैक्सीन फॉर चिकनगुनिया अप्रूव्ड बाय द फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन द US एंड डेवलप्ड बाय वल्नेवा? आंसर इज आइसिक। और आप ऐसे कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखते हैं। इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट इज एक्टिव इन विच कंट्री? वेन इज द वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड? वट इज द नेम ऑफ द फैक्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर द भोपाल ट्रेजेडी ऑफ 1984? एट प्रेजेंट द लोकसभा इलेक्शंस कोइंसाइड विद असेंबली इलेक्शंस फॉर विच स्टेट? ठीक है, तो लोकसभा इलेक्शंस और किस राज्य के असेंबली इलेक्शन एक साथ होते हैं ये आपको बताना है। वी के पांडियन द क्लोजेस्ट एड ऑफ उड़ीसा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक फॉर्मली ज्वाइंड विच पोलिटिकल पार्टी? इंडिया इज सेट टू इमर्ज एज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोलर मॉड्यूल्स बाय विच ईयर अकॉर्डिंग टू वुड मैकेंजी रिपोर्ट? तो इन 6 क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताइएगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की प्लेज दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।